हे मुनि श्रेष्ठ, ये मेरी कन्या विश्व मोहिनी है। कृपया आप अपने जी में निश्चय करके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सबसे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग गाइस देख ही सकते हैं, तो नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं। तो नवरात्रि के टाइम आपको पता ही है गाइस, तो पहाड़ों में काफी पूजा पाठ होती है। तो दशहरे में पहुंच चुके तो आपको छड़नदेव, तो छड़नदेव में गाइस तो ये है मंदिर, आपको देख सकते हैं अभी माता रानी का। तो दशहरा का उसके बताए तो कल से आया भागवत स्टार्ट है और नीरू भाई हमारे यहीं रहेंगे। तो दादा और मैं भी यहाँ आए थे, हम मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पहुंचे थे अभी करीबन, हम पिथौरागढ़ से निकल गए थे गाइस 7 बजे। तो मैंने रस्ते का ब्लॉग नहीं किया क्योंकि आज बताएं तो आज से मार्केट में भी आपको बताइए रामलला स्टार्ट है गाइस। तो मेरे मामा क्यों तो रामलला है, तो रामलला की श्री आने वाली काफी अच्छी आपको बताइए। तो रस्ते भी हम अभी यहाँ पर पहले साउंड वाउंड यहाँ पर सिस्टम एक बार सेटअप लगाएंगे गाइस। तो सेटअप तो नीरू भाई ने लगा चुका है, तो अभी सेटअप लगाएंगे तो उसके बाद देखते हैं गाइस यहाँ से। तो उसके यहाँ से तुरंत हमने मार्केट भी निकलना है अभी बताएं तो आपको, और मार्केट से हम भी अराउंड आपको बताएं तो मार्केट से कितना बताएं, छत्तीस किलोमीटर अभी ट्रैवल किया है बंदा। मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में काफी ठंडा होता है यार, और सॉरी इस चीज की रस्ते का ब्लॉग नहीं किया मैंने। और आपको बताएं तो यहाँ भागवत होगी, तो गाइस भागवत होगी तो आप एरी ब्लॉग्स में जाके देखना गाइस। तो एरी ब्लॉग से हर दिन यहाँ से कंटिन्यू ब्लॉग आया गाइस, और ब्लॉग नहीं आएगा ना गाइस इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बता दे रहा हूँ। रियल में कह रहा हूँ, मैं रियल में पहले बता दे रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ ठीक है इसके भाई, और चैनल भाई चैनल से भागवत आइए ना गाइस दबा के सब्सक्राइब। तो गाइस सामान वाम सेटअप करते हैं तो उसके बाद मिल जाए लोगों थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हैं तो दूसरी ग्राउंड डाली है, तो आज से आप लोग पता है छड़ले में तो उसकी शुभारंभ हो चुका है धीरे से देख सकते हैं। और जस्ट हमारे कल भागवत विनोद पाठक जी आए थे हल्द्वानी से, देख सकते हैं गाइस। तो आपने पहले वाली भागवत भी देखा होगा पाठक जी को, तो पाठक जी कैसा रहा अभी सफर है पाठक जी, अरे कुछ बोलोगे पाले जी शर्मा दे गए आप लोग को बता दो, आप भजन करते भी नहीं शर्मा दे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ लेकिन हमारी परंपराएं होती है, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, तो उसके थ्रू आपको बताएं तो आज शिवपुराण का दागा शुभारंभ हो चुका है। और देख सकते हैं जो मंदिर है गाइस, तो दिख ही रहा होगा आपको जो भोलेनाथ जी का मंदिर है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप लोग। तो वैसे मंदा अभी सुबह पहुँच चुके थे यहाँ पर, आपको बताइए गाइस। तो सुबह करीबन अर्ली मॉर्निंग हम मार्केट से निकल चुके थे 7 बजे के टाइम में, तो देख सकते हैं। और यहाँ पहुँचने में अराउंड में करीबन क्या लगा, करीबन 1 घंटा समथिंग लगा गाइस आप लोग को बता दो। और जैसे हमने सेटअप अपना कंप्लीट कर लिया काम, हम जस्ट यहाँ से निकल लें आपको बताएं तो। गाइस ये रहे हमारे दादा, तो दादाई हो चुका है फिर तो गाइस देख सकते हैं सिस्टम ने पूरा यहाँ पर लगा रखा है, तो नीरू ने कल यहाँ पे लगा लेते थे पूरा सिस्टम, तो देखते हैं साउंड वाउंड सब यहीं पे लगाया, देख सकते हैं यार आप लोग। और आपको पता है हमारा वर्क हर दिन का डेली का वर्क है यार, और अभी जस्ट मार्केट जाके भी अभी आपको बताएं तो मार्केट जाके भी आपको बताइए डेली का वर्क। तो गाइस यहाँ से जल्दी निपटाते हैं तो निकलते हैं यहाँ से, तो मिलते हैं आप लोग को मार्केट में अब। और तो गाइस जो छड़नदेव में भोलेनाथ जी का टेम्पल है, तो गाइस ये आपको बता दो मेन रोड है जो पिथौरागढ़ से आती है गाइस, तो ये मेन रोड है आपको दिखा दें। तो जैसे मेन रोड के जैसे आप लोग आएंगे तो मार्केट से लेफ्ट में गाइस टेम्पल आप लोग देख सकते हैं, और जो भागवत माला आए तो आप आ सकते हैं गाइस, तो देख सकते हैं जो भी भक्ति माला आए तो आ सकते हैं। और देख सकते हैं जो भोलेनाथ का टेम्पल है तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही बना रखा बताए तो काफ़ी अर्ली में बना रखा है, काफ़ी तगड़ा बना रखा देख सकते हैं। जो डेवलप किया होता है जो पहाड़ों के मंदिर होते हैं उसके बारे में आपको बताया गाइस, तो जो कैसे डेवलप किया गया था उसको। और देख सकते हैं जैसे मेन टेम्पल है तो ऊपर है गाइस, तो मेन टेम्पल ये आपको बताया भोलेनाथ जी का। और देख सकते हैं जैसे हम लोग भी मॉर्निंग के टाइम में पहुंचे थे मंदोर में यार, तो जैसे अभी चल ही रहेगा ऐसे आपको बताएं तो, और देख सकते हैं और थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं गाइस। तो जो हमारा वर्क था वर्क तो कंप्लीट हो चुका है आपको बताएं तो, जैसे यहाँ से निकलना है थोड़ी देर में तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस आपको नवरात्रि के फर्स्ट दिन आपको हम दर्शन कराते हैं भोलेनाथ जी के, जो छड़नदेव टेम्पल है जो भोलेनाथ जी का टेम्पल है, तो गाइस ये मेन टेम्पल आपको बताए तो काफ़ी पुराना टेम्पल माना जाता है। और देख सकते हैं अभी ताइलो यहाँ सफाई कर रहे हैं गाइस, और देख सकते हैं जो टेम्पल है टेम्पल की जो मान्यता है तो काफ़ी पुरानी आप लोग बताएं तो। और जो पेड़ देख सकते हैं गाइस, काफ़ी पुराना पेड़ दिख रहा होगा आपको यार। तो वैसे फर्स्ट टाइम हमें मौका मिला गाइस, तो इसके चक्कर में तो हम भी आ गए। तो वैसे नीरू का कॉल आया था कल, तो उसने कहा कि भाई यहाँ करके, तो हमें भी मौका मिल गया गाइस नवरात्रि के फर्स्ट दिन, और देख सकते हैं आप लोग। तो देखो थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने भी पूछा है यहाँ के बारे में आपको बताएं तो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमने भी दादाजी वाले जो हमारे दाई है दाई ने बताया थोड़ी बहुत हिस्ट्री यहाँ के बारे में। जो आपको यहाँ पर शिला दिख रही होगी गाइस, तो ये शिला ऐसा ऐसी कारण था कि ये हिमालय पर्वत है करके गाइस, तो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आपको बताएं तो जो मेन टेम्पल है, तो जो माता रानी का टेम्पल और भोलेनाथ जी का टेम्पल है मेन टेम्पल आपको बताएं तो गाइस, आपको देख सकते हैं आप लोग। और जो हमारे रीति रिवाज होते हैं गाइस पहाड़ी कल्चर होता है, तो आप लोग को पता ही है जो हमारे रीति रिवाज होते हैं उसके थ्रू आज सिर्फ महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ है। तो कोई भी भक्त जान आना चाहे तो छड़नदेव आ सकते हैं गाइस आप लोग बताएं तो। जैसे हमारा मार्केट से अराउंड कुछ नहीं है 35-40 किलोमीटर समथिंग गाइस, और जैसे मार्केट से आएंगे तो आप रोड के जस्ट लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में उसको ये टेम्पल दिखेगा आप लोगों को, और देख सकते हैं तो लेकिन जो मंदिर वाला गाइस तो काफ़ी तगड़ा बना रखा आप लोग देख सकते हैं यार। तो गाइस हमें मौका मिला तो हमने भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कवर करा गया, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें।
तो फर्स्ट दिन नवरात्र का फर्स्ट टाइम आपको पता है फर्स्ट दिन है आज। तो गाइस तो निकलते हैं थोड़ी देर में मंदिर में, यहाँ से तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते जैसे यहाँ से निकल लेते हम लोग, तो दादा ये रहा, तो दादा ड्राइव करेगा यहाँ से। तो दादा ये देख लो आए तो सुबह आए थे यार, ठंडा लग गया था और लैंपर लगाए थे बुलेनाथ जी का लैंपर है। हाँ आंटी ने भी माले बना के भेजे थे, माटे माले रायता और चावल की रोटी कहते हैं राइस, माले कहते थे चावल की रोटी होती है वो। और आंटी ने मट्टा अंडा भेजा था घर से, काफी नाश्ता वास्ता करा हमने और जैसे निकल ले तो नीरू भाई तो ऊपर ही, नीरू भाई तो यही रहेगा। तो जैसे हम लोग निकलते गए आप लोग मिलते हैं आप लोग डायरेक्ट मार्केट में। अब तो गए जैसे अभी सड़न नहीं आया था आप लोगों को पता ही है, तो जैसे हम पहुंचे थे जैसे निकल लेते दादा और मंदौर में। तो देख सकते हैं यहाँ भी अपने जो प्यार है ना गाय सर्दी का प्यार मिलता है, काफी अच्छा लगता है यार। तो ये हमारे दादा है कमुना गाय, तो कमुना भी मेरे सब्सक्राइबर है यार। तो मैंने पहचान नहीं दादा को, तो दादा फिर वहां मंदिर में आया तो दादा कहा कि तुरंत करके मैं एकदम चौंक गया मैंने कहा यार। तो गाय ऐसा प्यार मिलता है तो काफी अच्छा लगता है हर जगह यार। तो देख सकते हैं तो दादा यहाँ शॉप भी है गाय, तो यहाँ नाश्ता बनाते चौबीन बनाते हैं। तो जब भी आओगे आप थोड़े देर की तरफ यहाँ नाश्ता करके नाश्ता कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो गाय। तो देख सकते हो जैसे हम निकल लेते हैं मार्केट के और तो मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो गाइस देख सकते हैं जैसे लगा आपने की जो मेन मंच है, तो गाइस उसकी तैयारी हो चुकी है देख सकते हैं आप लोग। और इस बार काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है देख सकते हैं यार। अभी तो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में उतना सही दिखेगा, लेकिन रात के टाइम गाइस तो आप लोग बता दो रात के टाइम काफी सही बनेगा आपको देखना। तो लाइटिंग ऑन होगी ना उसके बाद देखना। और ये देखो गाइस हमारा सेटअप पूरा, तो हमारा सेटअप पूरा यहाँ लगा है, तो हमने सेटअप पूरा यहाँ पर लगा रखा है। तो बंदा साथ में, बंदा साथ में, बंदा आपको देगा दीपांशु भैया, आपको बताइए दीपांशु के बारे में। और जैसे हम वहाँ से निकल चुके थे आपको बताएं तो फलने के थे, तो मॉर्निंग के टाइम में निकल चुके थे वहाँ से, मॉर्निंग के टाइम नहीं करीबन 11:30 टाइम में निकल चुके थे यार। और शाम के टाइम रामला स्टार्ट होगी, तो गाइस तो मिलते हैं आप लोगों को शाम के टाइम अब देखो। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट आज आपको बताया तो रामला का शुभारंभ है, आपको बताया टकाला की रामला और उपनगर वाला की रामला का शुभारंभ एक ही दिन होता है आपको बताइए गाइस। तो जस्ट अभी आपको बताया तो पहले गणेश पूजन होता है, तो उसके बाद सभी कार्यक्रम स्टार्ट होते हैं। तो देख सकते हैं अभी जस्ट जो नीचे टकाला की रामला है, तो उसका भी गणेश पूजन स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो देख सकते हैं आलो तो गाइस अब गणेश पूजन होगा, तो गणेश पूजन के बाद सभी कार्यक्रम स्टार्ट होंगे उसके बाद। तो अभी मंच का कार्यक्रम तो स्टार्ट हो चुका है आपको बताइए गाइस। तो नशे चलते हैं, तो काम निपटाते हैं, काम तो हो चुका है लगभग कंप्लीट, तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। सभी बात करते हैं यार, उन्हें देख सकते हैं आप लोग यार। और ये रहे हमारे मिर्ची भैया गाइस, तो ये गए हमारे राजन धोनी और देख सकते हैं सब भाई लोग तो तैयार होने गाइस, यहाँ देख सकते हैं अभी तैयारी चली रही है तो देख सकते हैं। और ये हमारे बिहार के भाई लोग, यहाँ भाई लोग और देख सकते हैं तैयारी चली रही है गाइस, उन्होंने मेकअप का हाल लिया है आपको। और यहाँ भी देखो हमारा फ्लैग ऑन है गाइस, ये फ्लैग ऑन तैयार हो रहा है देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ भी तैयारी हो रही है देख सकते हैं गाइस, और आपको बाहर का भी दिखा दें अभी। Oh, please.
कैलाश पर्वत को चढ़ता हूँ। नारायण नारायण। कैलाश पर्वत को कहूँ ये जाके शंकर से कि किसका है सदा साथा, वो मैंने काम जीता आने का जो मेरा प्रयोजन है वह यह है कि नारायण नारायण कहो नारायण 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 प्रभु प्रभु इंद्र का पठाया वो कामदेव जिसने जगत के संपूर्ण जीवों के हृदय को नाना प्रकार के छलपूर्ण कृतियों से बिगाड़ दिया हे प्रभु। वो कामदेव आपके भक्त की तपस्या भंग करने के लिए चला आया। प्रभु आपके भक्त की तपस्या भंग करने के लिए चला आया। पर प्रभु नारायण नारायण जिस पर आपकी कृपा हो भला भला उसकी तपस्या कौन भंग कर सकता है। नारायण नारायण। हे प्रभु उस कामदेव को मेरी तपस्या के आगे हार माननी पड़ी और वो अपना सा मुंह लेकर चला गया। प्रभु नारायण नारायण। अच्छा तो ये बात है नारायण। हाँ प्रभु। और आपका ये भक्त कामाचित हो चला है। प्रभु कामाचित हो चला है। नारायण नारायण। तो गाइस ये देखो हमारे छोटे छोटे साधु लोग, तो साधु का किरदार निभा रहे हैं गाइस, तो देख सकते हैं। एक और हमारा वो भी है गाइस, तो दिख रहा होगा तैयार हो रहे हैं सब बच्चे। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? आज से रामलीला स्टार्ट हुई, कैसा लग रहा है तुम लोगों को, मजा आ रहा है? और ये हमारे देखो मंदिर भाई, देखो गाइस हमारे डॉक्टर भी आए। कल जरूर आइएगा, कल स्पेशल है मारु स्वभाव की कॉमेडी। ये गाइस तो देख सकते हैं गाइस, सब बच्चे तैयार होने भाई लोग, तो देख सकते किरदार ये हमारा भाई राक्षस हमारा देखा है सब तैयार होने और बाहर की पब्लिक आपको क्या दिखाई अभी अभी दिखाते हैं आप लोगों को। भगवान विष्णु की रची हुई माया काम कर गई। नारद जी ने यू ही कन्या का हाथ देखा तो वो देखते हैं करते हैं। हवन कुंड में
चाहिए और वो है लंका पति रावण। जी भारत। आज हमारा जग में सारा राज, हमारा जग में सारा सुर नर मुनि। रानी माम, रानी माम कुशल परी भरी कुशल परी भरी कुशल परी भरी कुशल परी भरी कहे में गए तो थे उसे तुम खाली हाथ दिखाई देते हो। खाली हाथ कहा महाराज, उस निर्जनवन में एक ये भी मिली है महाराज, ये वहां इधर उधर भटक रही थी तो मैं इसे लंका नगरी उठा लाया महाराज। तो इससे तो तू शादी करेगा, ये मेरे किस काम की? महाराज ये डांस बहुत अच्छा करती है, यदि आपकी आज्ञा हो तो इसे अभी नचाया जाए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है भानुमती, हम भी इस राज नृत्यांगना का नृत्य देखना चाहेंगे। जी महाराज। जैसे तो पहले दिन की जो रामकथा थी तो समाप्त हो चुकी है, आपने देख ली गाइस। तो जैसे राम जन्म हो चुका था, आप लोगों को देखा होगा। तो जैसे अब सामान अपन क्लोज करते हैं गाइस, तो उसके बाद हम भी निकलते हैं फिर, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो गाइस ये ब्लॉग एंड करूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।